एस पी एन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को ईडी अधिकारियों में ने अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय में पेश होने की यहां पर समन भेजे गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए मना कर और नोटिस भेज दिया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए वो सुबह ही निकल चुके थे। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आए और साथ ही साथ यहाँ ईडी के ऊपर भी हमला बोलते नजर आए। साथ ही साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी की ईडी, गौर से सुनिएगा, यहाँ कहते नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल मोदी की ईडी को लेकर यहाँ सवाल घेरते नजर आए हैं। क्या इन सवालों का जवाब भाजपा सरकार दे पाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त चारों तरफ देश में ईडी और ईडी ही सुनाई दे रहा है। कभी यहाँ राजस्थान में ईडी पहुंच जाती है तो दिल्ली में ईडी यहाँ लगातार छापे मार रही है, कभी बिहार में ईडी पहुंच जाती है तो कभी महाराष्ट्र में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आखिरकार ये मसला क्या चल रहा है और इसी पूरे मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश में ईडी के ऊपर काफी लंबा चौड़ा भाषण देते नजर आए हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। सबसे पहले हमारे पीछे बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, बाबा साहब के स्टैचू को मैं नमन करता हूं। आज से 1.25 साल पहले हम आपके बीच में आए थे और इसी चौक पे आप लोगों से बातचीत की थी, आप लोगों से रानी अग्रवाल जी को मेयर बनाने की अपील की थी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को नमन करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। एक छोटी सी पार्टी, नई पार्टी, आम आदमी पार्टी बनी थी अन्ना आंदोलन से। जब उनने पार्टी बनाई थी सब लोग कहते थे इनकी जमानत जब्त होगी। दिल्ली में जब हमने नई नई पार्टी बनाई थी 2012 में, लोग कहते थे इनकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल बीजेपी की, 0 सीट कांग्रेस की और 67 सीट आम आदमी पार्टी की। कमाल हो गया। फिर कई लोगों ने कहा कि एक बार हो गया, नई नई पार्टियां कई बार हो जाता है, दोबारा इनकी सरकार नहीं बनी। दोस्तों काम हमने ऐसा करा, हमारी जब सरकार बनी उसके पहले वाली सरकारें पूरे देश में, दिल्ली किस नाम से जाना जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, CNG घोटाला हो गया, घोटालों के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। पिछले 10 साल में ऐसे काम किया, 8 साल में ऐसे काम किया। आज दिल्ली स्कूल बड़े अच्छे कर दिए केजरीवाल जी ने, अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं बुजुर्गों को। एक बार नहीं, 3-3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, 3-3 बार हम चुनाव जीत चुके हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के कामों को देख के फिर पंजाब के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और मेरे भाई भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया पंजाब। आज पंजाब के अंदर वही काम चल रहे हैं, शानदार स्कूल बन रहे हैं जैसे दिल्ली में बने, शानदार स्कूल बने, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, घर घर गली गली में जा जाके मोहल्ला रहे हैं, मुफ्त का इलाज कर रहे हैं, गरीबों का भी अमीरों का भी जो आ जाए अस्पताल में इलाज कराने के लिए। बिजली फ्री कर दी इन्होंने पूरे पंजाब में, बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में फ्री, पंजाब में भी बिजली फ्री। अब दिल्ली और पंजाब का काम पूरे देश में
गया, घर घर में फैलने लग गया। पहले जहां ये पार्टियां कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकारें, अब ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, हम खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है जी, बिजली भी मुफ्त, सड़कें भी बन रही है। उसके बाद आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं 1.25 साल पहले आपके बीच में आया और आपने अपनी बेटी रानी अग्रवाल को आशीर्वाद दिया, 1.25 साल से लगी हुई है। आप ही लोग बताना, अभी बता रही थी हर वार्ड के अंदर सड़कें बन रही हैं, बन रही हैं, हर वार्ड के अंदर नालियां बन रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं, कितने सारे काम गिनाए। लेकिन बड़ी चीज ये है, ये मेरे पास आई थी अभी कुछ महीने पहले, मुझे आके कहती है ये बीजेपी वाले मेरे को काम नहीं करने देते, मैं बहुत काम करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए, ये मेरे को फंड नहीं देते, मैं मोहल्ला क्लिनिक भी खोलना चाहती हूँ अपने सिंगरौली में, अरविंद जी आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप मेरे को कुछ फंड दे सकते हो क्या? सोचो, इस सिंगरौली की मेयर दिल्ली फंड लेने पहुंच गई मेरे पास आप लोगों के लिए, इतना इसके लिए दर्द है इनके मन में आप लोगों के लिए। तो मैंने इनको समझाया, बहन दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के पैसे सिंगरौली में लग नहीं सकते। लेकिन मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिंगरौली की मेयर जो है इतना उनका दिल, नहीं तो कौन पूछता है, चुनाव जीतने के बाद तो पैसे कमाने में लग जाते हैं, तो कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, लेकिन वो काम करना चाहती है आप लोगों के लिए, कहती है ये बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। मैंने कहा ये किसी को नहीं करने देते, ये मेरे को भी नहीं करने देते, दिल्ली में पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में, मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, ना खुद कुछ करते ना दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों के 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है, तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे, केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया, तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर, रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे स्टेज पे, बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता, हम यहां पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां जीतना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा, सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है, हम सबको मिलके, सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी, जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों
ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा, लेकिन मैं जहां भी होऊंगा मेरे को आवाज आनी चाहिए कि सब लोग ये कहें कि केजरीवाल आया था सिंगरौली में और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देके भेजा आम आदमी पार्टी। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी तादाद में आज आप सब लोग आए। आप लोगों ने पिछली बार भी आशीर्वाद दिया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत माता की। तो आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की इस बात को सुनकर आपको क्या लगता है, क्या आप इस भाषण से सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।